हेलो फ्रेंड्स, राज एसी टेक में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हम लोग आ गए हैं डाइकिन का जो एसी है, इसमें जो है अभी हम लोग गैस चार्ज करेंगे। और हमारे पास जो है ये वैक्यूम मशीन भी है, वन स्टेज का वैक्यूम मशीन है, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से वैक्यूम करेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ वैक्यूम ही नहीं करेंगे, वैक्यूम करके जो है R32 का जो है वो गैस चार्ज भी करेंगे हम लोग। और कितना प्रेशर होता है, स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है, वो भी हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो क्या करेंगे, इसमें जो है प्रेशर जो है गेज मीटर में वो रिलीज़ करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है इसको निकालो। प्रेशर जो है हम लोग जो है इसमें जो हमने जो प्रेशर होल्ड किया था वो प्रेशर बिल्कुल सही था, तो हमने जो है अभी हम लोग प्रेशर जो है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर वैक्यूम अगर करें तो आप प्रेशर निकाल कर ही वैक्यूम करें, ठीक है। अभी हम लोग सारा प्रेशर जो है वो इसमें से जो है निकाल देंगे, और निकालने के बाद यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट में लगाएंगे, और यहाँ पे लगाने के बाद इसको जो है अच्छे तरीके से वैक्यूम करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो मीटर का जो कांटा है वो, देखिए मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, ठीक है। मीटर का जो कांटा है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यानी कि जो प्रेशर है वो पूरा निकल गया है, ठीक है। और अभी हम लोग चार्जिंग पाइप जो है, गेज मीटर का जो चार्जिंग पाइप है वो अभी हम लोग वैक्यूम मशीन में लगाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, सारा प्रेशर जो है वो निकल गया है, और जो कुछ प्रेशर इसमें बाकी है वो वैक्यूम मशीन में हम लोग लगाएंगे, और जो भी प्रेशर है वो हल्का फुल्का वो खींच लेगा, और जो मॉइस्चर है वो भी टाल लेगा जो भी एसी में, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पॉइंट में लगाएंगे। देखिए इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे वैक्यूम मशीन में लगा देंगे, ठीक है ना। और फ्रेंड्स, आप जब भी जो है इसको अगर वैक्यूम करें तो गेज मीटर को किस तरह से लगाना है वो भी हम लोग जानेंगे। ये जो वैक्यूम मशीन में जो हम लोग जो है वो पाइप जो लगाए हैं वो आपका मीटर में आप देख सकते हैं, ये जो है मीटर है, ठीक है। ये जो ब्लैक वाली पाइप है वो आपका ये साइड में लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं साइड में लगा हुआ है, ठीक है ना, और ब्लैक वाला पाइप। और जो रेड वाला पाइप है वो घड़ी के एकदम स्ट्रेट में जो है वही आपका रेड वाला पाइप ये मशीन में लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो वाल है ये खोलेंगे, ठीक है। ये पूरा खुला हुआ होना चाहिए, पूरा खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। इसको पूरा खोल देंगे, और खोलने के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक स्विच है, वैक्यूम मशीन के पास स्विच है। और देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है मशीन हम लोग ऑन करेंगे तो ये वैक्यूम जो है अभी हम लोग का जो है चालू हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वैक्यूम का आवाज़ भी आ रहा होगा, तो अच्छे तरीके से अभी हम लोग जो है इसमें वैक्यूम करेंगे। और आप देख सकते हैं ये जो है मैनिफोल्ड गेज है, ठीक है ना, ये मैनिफोल्ड गेज है। और देख सकते हैं ये 10 में, अभी 10 में, ठीक है ना, अभी 0 में आएगा। और ये जो माइनस में जितना भी है ना, मतलब वैक्यूम जब हम लोग कैसे पता करेंगे कि वैक्यूम हो गया, तो यहाँ से भी पता हो सकता है, ठीक है ना। आप ये जो कांटा है ये पूरा इधर आ जाएगा, यानी कि ये जो है आपका माइनस में आ जाएगा, यहाँ ये 0 के बाद जो है, 0 के बाद जो है ये माइनस में आ जाएगा। तो अभी हम लोग 15 से 20 मिनट तक इसको जो है अच्छे तरीके से वैक्यूम करेंगे, ठीक है ना। मैं वीडियो को अभी पॉज कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको सारा डिटेल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो वैक्यूम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये माइनस में आ गया है, वैक्यूम जो है वो सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि वैक्यूम मशीन को जो है वो बंद करेंगे, ठीक है। वैक्यूम मशीन को यहाँ से बंद कर देंगे। तो बंद करने से पहले हम लोग को क्या करना है कि ये जो गेज है, ये वाली जो गेज है, इसे लॉक करनी है, ठीक है। उसके बाद ही इसे बंद करना होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे लॉक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम लोग जो इसको लॉक कर रहे हैं, और लॉक करने के बाद जो है अभी हम लोग पूरा जो है इसे लॉक कर देंगे, ठीक है। ये हो गया लॉक। ये हो गया लॉक, ठीक है। ये अब लॉक हो गया, ठीक है। यहाँ से अब वैक्यूम जो है वो टूटेगा नहीं, ये अब लॉक हो गया, ठीक है। अभी हम लोग वैक्यूम मशीन को ऑफ करेंगे। तो आप ध्यान में रखें कि ये जो है आप लॉक कर दें, उसके बाद ही वैक्यूम मशीन बंद करें, ठीक है। तो हम लोग जो है बंद कर रहे हैं वैक्यूम मशीन, वैक्यूम मशीन हमने जो है बंद कर दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो ये पाइप है, ये पाइप को हम लोग खोलेंगे, ये पाइप हम लोग वैक्यूम मशीन से निकालेंगे, और निकाल कर जो है वो जो सिलेंडर आप देख रहे हैं वो सिलेंडर में हम लोग लगाएंगे और गैस चार्ज करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम लोग जो है ये ब्लैक वाला जो पाइप है वो हम लोग सिलेंडर में लगा दिए हैं, और सिलेंडर में लगाने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से जो है इसका जो वाल है वो खोल देना है स्लाइड रिंच की मदद से, ठीक है। देखिए ये खुल गया, और खुलने के बाद सिलेंडर को आप जो है वो उल्टा करके ही गैस जो है वो चार्ज करें, ताकि लिक्विड चार्ज हो, ठीक है। प्रेशर एक भी ना जाए, ठीक है, लिक्विड जाए, ठीक है।
तो अभी हम लोग देखिए धीरे धीरे जो है वो इसका जो देखिए धीरे धीरे फ्रंट से वॉल खोलना है इसका, ठीक है, ताकि चोकिंग का प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। धीरे धीरे गैस आप इसमें चार्ज कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग अभी खोलेंगे और कम से कम 100 से 110 PSI जो है इसमें गैस चार्ज करेंगे, और उसके बाद जो है AC को ऑन करेंगे, ठीक है। दोस्तों 32 और 410 का जो गैस होता है वो आपको क्या करना है कि बंद मशीन में ही चार्ज करना होता है, ठीक है। अगर आप अगर एक्सपर्ट अगर नहीं हैं तो आप जो है मशीन ऑन करके गैस कभी भी चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है ना। अभी क्या है कि यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा कि अभी मैं देखिए 140 PSI चला गया है, और अभी हम लोग जो है इंडोर के पास आ गए इंडोर के पास आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे जो है अभी हम लोग देखिए ऑन कर देंगे AC को, ऑन कर देंगे, ठीक है। ऑन करके जो है टेम्परेचर इसका कम कर देंगे, 18 डिग्री में जो है हम लोग सेट कर देंगे, और अभी हम लोग जाएंगे आउटडोर के पास, ठीक है। और हम लोग जो थोड़ा गैस जो बाकी था उसे भी चार्ज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है देख सकते हैं आउटडोर जो है वो चल चुका है, चल रहा है आउटडोर, ठीक है। और अभी देख सकते हैं इसमें जो है 40 से 50 PSI जो है गैस इसमें शो कर रहा है, ठीक है ना। अगर R32 का गैस अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो उसका जो प्रेशर होता है, उसका जो बैक प्रेशर होता है वो आपका 120 से 25 PSI होता है, ठीक है। तो 120 से 25 PSI तक अभी हम लोग गैस इसमें जो है चार्ज करेंगे, ठीक है। तो अभी मशीन जो है वो ऑन है और धीरे धीरे जो है गैस इसमें आपको जो है चार्ज करनी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है इसमें वैक्यूम करके ही जो है गैस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। वैक्यूम करके ही गैस चार्ज करने से क्या होता है कि आपका जो चोकिंग का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होता है, और कूलिंग एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। तो आप जब भी गैस चार्ज करें तो वैक्यूम करके ही करें। तो और एक बात का जो है आप खास ख्याल रखेंगे कि एकदम से गैस जो है वो चार्ज नहीं करना है 32 नंबर या 410 नंबर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम लोग जो है अभी 100 अभी मैं बैक प्रेशर इसमें गया है, बैक प्रेशर अभी 80 या 90 PSI गया हुआ है। तो आप देख सकते हैं क्वार्टर वाली लाइन में जो है वो आइस आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी AC में अगर क्वार्टर वाली लाइन में अगर आइस आती है तो आप इससे भी पता कर सकते हैं कि गैस कम होगा, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं गैस तो कम था और कम होने की वजह से इसमें आइस आ गया। तो हम लोग इसमें गैस चार्ज अभी कर ही रहे हैं, ठीक है। अभी हमने जो है गैस चार्ज करना ख़त्म नहीं किया है, तो अभी हम लोग गैस चार्ज इसमें कर रहे हैं। तो आप देख सकते रहेंगे धीरे धीरे जो है गैस जो है वो मेल्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये जो गैस है वो मेल्ट हो रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे गैस जा रहा है AC में, रन कर रहा है, और ये जो है इन्वर्टर AC है तो कंप्रेसर का जो रन है जो चलता है कंप्रेसर वो अब अपनी जो तेज़ी रफ्तार से जो होता है वो अभी स्पीड में चल रहा है, ठीक है। तो स्पीड में चलने की वजह से गैस भी अच्छा ले रहा है, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं 110 PSI तक जो है वो 100 PSI तक गैस चला गया है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके डाले फ्रेंड्स। अभी जो है यहाँ पे धूप है तो प्रेशर तो ज़्यादा ही बताएगा, इसलिए आप जो है रुक रुक कर जो है गैस चार्ज करें, ठीक है। और ये जो है आकिफ है ये हमारे ही साथ काम करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब हम लोग चलते हैं वीडियो की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं जितना भी आइस था वो मेल्ट हो गया है, वो चला गया है, और जो सक्शन वाला जो लाइन है उसमें भी अच्छा स्वेटिंग छोड़ रहा है, स्वेटिंग जो होता है ना वो अच्छा स्वेटिंग छोड़ रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं अभी कितना, मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से दिखाने की, 120 PSI, 120 PSI जो है वो गैस जो है वो चला गया है दोस्तों, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग इसमें जो है गैस अच्छे तरीके से जो है वो चार्ज हो गया है, ठीक है। और इसका जो आप देख सकते हैं आउटडोर के पास जो अभी हम लोग जाकर देखेंगे, इसका जो गर्म हवा जो है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है, इसका मतलब जो कूलिंग जो है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स अगर कुछ आपके मन में अगर कुछ AC से रिलेटेड कुछ पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट के हिसाब से वीडियो अपलोड कर दूंगा।